दोस्तों कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स। आज हम बनाएंगे भिंडी और वो भी ग्रेवी वाली। इसके लिए मैंने ये हाफ किलो भिंडी लिया है जिसे मैंने अच्छे से धो लिया है और अब मैं इसकी कटिंग करूँगी। इसे मैं इस तरह से 1 1 इंचेस के टुकड़ों में काटूंगी। इस तरह से मैं सारी भिंडी को काट लूंगी। ये देखिए दोस्तों, हमारी ये भिंडी कट चुकी है और मैंने ये 2 बिग साइज का टमाटो लिया था उसे भी मैंने फाइनली चॉप किया है। और ये मैं जिन ये जिंजर नहीं इसमें ऐड है, ये सिर्फ गार्लिक का पेस्ट है जो कि इसमें करूँगी। और ये मैंने 2 उबले हुए आलू लिए हैं जिन्हें मैं इसमें डालूंगी, सब्जी में डालूंगी। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मैंने ये गैस ऑन रखा हुआ है और ये पैन मेरा अच्छे से गर्म हो चुका है और अब मैं इसमें ये ऐड कर दूंगी ये ऑयल। मैंने 3 स्पून के करीब इसमें ऑयल डाला है। ये मेथी के दाने हैं जिन्हें मैं ऐड कर दूंगी। ऐसे मैं अच्छे से सौते होने दूंगी। ये देखिए दोस्तों, ये फेनुग्रीक सीड का कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है और अब मैं इस स्टेज में ऐड कर दूंगी इसमें ये ढक दूंगी और फिर इसे अच्छे से ब्राउन होने तक इसे फ्राई करूंगी। और आइए अब हम चेक करते हैं हमारी भिंडी को। ये देखिए लगभग लगभग हो चुका है। अब मैं देखिए ये मैंने जो ये गार्लिक का पेस्ट रखा था वो मैं इसमें डाल दूंगी, इसे मिलाऊंगी। वैसे तो नमक डाल देते हैं टमेटो डालने का, लेकिन हम अभी इसमें टमेटो डालने के बाद नमक नहीं डालेंगे। क्यों नहीं डालेंगे? क्योंकि भिंडी है, नमक डालने पर ही बिल्कुल चिपा हो जाएगा, बिल्कुल लसलस हो जाएगा। इस वजह से हम इसमें नमक ऐड नहीं करेंगे, नमक हम इसमें लास्ट में ऐड करेंगे। तो आइए फिर आप हम इसमें बाकी के मसाले ऐड कर लेते हैं। का पाउडर, धनिया का पाउडर, क्योंकि हम उबला हुआ आलू यूज़ कर रहे हैं फ्रेंड्स, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा धनिया डालने की ज़रूरत नहीं है। धनिया से ग्रेवी थिक होता है और कोई बात नहीं है, तो इसलिए हम बहुत ज़्यादा धनिया नहीं डालेंगे। और ये मैं ऐड कर रही हूँ जीरा का पाउडर। जीरा का पाउडर भी मैं थोड़ा सा ही डालूंगी जिससे इसके कलर को थोड़ा सा इफेक्ट करता है, इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा नहीं डालूंगी। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी ये रेड चिली पाउडर। आप अपने हिसाब से रेड चिली यूज़ कीजिएगा फ्रेंड्स, जितना आप खाते होंगे उतना ही आप यूज़ कीजिएगा। और मैं इसमें मिक्स करूँगी और इसे अच्छे से भूनूंगी। जब ये हमारे सब मसाले अच्छे से भुन जाएंगे तब मैं इसमें पोटैटो ऐड करूँगी और फिर लास्ट में नमक ऐड करूँगी और फिर ग्रेवी इसमें डालूंगी। तो पहले हम इन मसालों को अच्छे से भून लेते हैं। दोस्तों हमारे मसाले अच्छे से भून चुके हैं और अब मैं इसमें ये पोटैटो ऐड कर दूंगी। इस पर अच्छे से मसालों को कोटिंग कर दूंगी। नाउ आई ऐड सॉल्ट, जिस हिसाब से आपको पसंद है आप अपने हिसाब से सॉल्ट डालिएगा। फिर भी अच्छे से मिक्स कर दूंगी। मैंने लास्ट में नमक डाला है, भिंडी नहीं टूटेगी। आप कभी भी भिंडी बनाओ तो उसे नमक जो है कभी भी स्टार्टिंग में मत डालो, सारी भिंडी टूट जाएगी। अगर आप लास्ट में नमक डालोगे तो आपकी भिंडी नहीं टूटेगी। नाउ आई ऐड सम वाटर। ये मैंने कैटल में पानी गर्म करके रखा था, ये मैं हॉट वाटर यूज़ कर रही हूँ। आपको तो कुछ बनाती हूँ तो मैं हॉट वाटर ही यूज़ करती हूँ, इससे कुकिंग प्रोसेस चलती रहती है, स्टार्ट ही रहती है, रुकती नहीं है। अगर हम ठंडा पानी यूज़ करेंगे तो कुकिंग प्रोसेस रुक जाएगी। कवर करके 5 मिनट तक पकने दूँगी और फिर मैं आपको दिखाती हूँ सब्जी। ये मैंने कवर कर दिया। दोस्तों 5 मिनट हो चुका है और अब हम इसे कटा के देखेंगे। ये भिंडी अच्छे से हो चुकी है और अब मैं गैस का फ्लेम ऑफ कर दूंगी और अब मैं आपको ये सर्व करके दिखाती हूँ।
क्यों दोस्तों, है ना मज़ेदार रेसिपी? आप भी ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। फ्रेंड, मुझे आपसे ये कहना है कि मेरा ये चैनल बिल्कुल नया है, तो मुझे आपके प्यार की और सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो अपना प्यार और सपोर्ट मेरे साथ यूं ही बनाए रखें, और अगर आप इस तरह की रेसिपीज़ देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और मुझे कमेंट्स में ये भी बताएं कि आप और कौन सी रेसिपीज़ देखना चाहते हैं, मैं डेफ़िनेटली वो रेसिपीज़ आपके लिए लेके आऊँगी। फ्रेंड्स, यूं ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें, और मैं फिर मिलूंगी आपको एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय।